सात दो सौ हजार कोशिश यही से कर रही है, दो सात दो प्रोफेसर बना रहे हैं इसमें अभी तक के लिए। और यहाँ पर तो बच्चे से भी तीन का फोन जारी और कुल मिलाकर 69 रन 6 ओवर के नुकसान पे। हरमनप्रीत कौर उनकी बॉल का इशारा ऑफिशियल बशारत देखता है। गुजारिश करता हूं आज की जो पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया अनंत दाग रेबल्स की। चवालीस गेंदे 30 रन, सबके मन में एक सवाल, जेन कुस आज इतिहास रचने जा रही है बारामला के इस खूबसूरत से मैदान। और ये एक मिसाल जो मेहनत करे वो भी काफी आगे जा सकती है अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। बहुत बहुत मुबारकबाद शीजू आपको। प्लेयर ऑफ द मैच 1500 रुपए का नाप के नाम और एक खूबसूरत सी ट्रॉफी और एक खूबसूरत सी ट्रॉफी और उसके साथ साथ ये अपना इनाम जो है खूबसूरत और चार चेक पे जो अमाउंट है वो भी काफी कम खूबसूरत 8000 रुपए का नकद इनाम। 200 तालियां हो चारों तरफ से इनके। बहुत बहुत मुबारकबाद डीपीएस की तरफ से एक खूबसूरत सी विनर्स ट्रॉफी और 10000 रुपए का नकद इनाम जो है वो भी दिया जा रहा है। पहली बार यहाँ पे मैच खेला है और बहुत मजा आया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फाइनल भी जीता है तो बहुत एंजॉय किया हमने, तो बहुत मजा आया हमें। कितनी मेहनत आप लोगों ने की है? बहुत मेहनत की हमने ताकि हम फाइनल जीत के जाए अनंतनाग में। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने जीता है। आप लोगों ने नेशनल खेला या डिस्ट्रिक्ट लेवल? नहीं, अभी हम डिस्ट्रिक्ट ही खेल रहे हैं तो अभी इंशाल्लाह बहुत आगे जाने की कोशिश करेंगे। मैं अपने स्कूल गर्ल्स हाई सेकेंडरी को मैं रिप्रेजेंट कर रही थी और यहाँ पर आके हमें बहुत मज़ा आया, हमने बहुत अच्छे से खेला और बहुत खुश हुई जब हमने डीपीएस के साथ फाइनल खेला और उस फाइनल को जीत गए। हम सब लोगों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने टैलेंट को दिखाएं और अपने टैलेंट को आगे लाएं। और जैसे वो लगता है इस तरह के टूर्नामेंट, इस तरह के मैचेस और भी होने चाहिए ताकि लड़कियों के साथ साथ यूथ को फायदा मिले। जी क्यों नहीं, होने चाहिए ऐसे टूर्नामेंट्स ताकि जो लड़कियाँ हैं वो अपने टैलेंट को दिखा सके। यही नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट में दिखाएं बल्कि फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, हॉकी है, बाकी चीज़ें, बाकी टूर्नामेंट्स हैं, बाकी स्पोर्ट्स हैं, उनमें भी आगे आएँ, उनमें भी लड़कियों के प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बढ़ाएँ। अब इस साल जैसे गवर्नमेंट बन चुकी है, हम देखेंगे आगे आगे कि गवर्नमेंट क्या करेगी हमारे लिए और हमें कितने प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करेगी ताकि हम अपने टैलेंट को आगे निखार सकें। बहुत होने चाहिए क्योंकि जो भी लड़कियाँ हैं उनको मिलना चाहिए, प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। जैसे हमको मिलता है प्लेटफॉर्म, बाकी लड़कियों को भी शौक़ है जाने का, क्रिकेट में जाने का शौक़ है तो उनको भी ये प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो कितना मजा आया आज यहाँ पे? बहुत मजा आया। बहुत टक्कर का मैच था, लास्ट में हम दो प्लेयर्स बचे हुए थे, बहुत टक्कर का मैच था और बहुत प्रेशर भी था ऊपर से। क्या आप लोगों ने अभी तक नेशनल मैच खेले? हाँ जी, हमने नई डिस्ट्रिक्ट भी खेला, हमने नेशनल भी खेला, हमने यूनिवर्सिटी। मैं गुजारिश करती हूँ फैमिली से, अपने बच्चों को दीजिए ये मौका खेलने के लिए कि आगे वो बढ़े, उनका शौक होता है वो खेले अच्छे से। ऑल द बेस्ट।